हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखने ना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की मिलियनेयर डेबिट कार्ड के बारे में। दोस्तों एचडीएफसी बैंक की ये डेबिट कार्ड आजकल एक खास डेबिट कार्ड है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने पर ये डेबिट कार्ड मिलता है। देन एचडीएफसी बैंक की मिलियनेयर डेबिट कार्ड में आपको कितने सारे कैशबैक ऑफर भी देखने को मिलेगा, तो चलिए जानते हैं इस डेबिट कार्ड की फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में। दोस्तों इस डेबिट कार्ड के थ्रू आपको एवरी ईयर 4,800 रुपीज तक कैशबैक मिलेगा। देन एचडीएफसी की पेज ऐप एंड स्मार्ट बॉय के थ्रू कोई भी शॉपिंग करने पर आपको 5% का कैशबैक पॉइंट मिलेगा। देन सभी ऑनलाइन स्पेंड पर आपको 2.5% का कैशबैक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद सभी ऑफलाइन स्पेंड एंड वॉलेट रीलोड पर 1% का कैशबैक पॉइंट भी मिलेगा। दोस्तों वॉलेट मीन्स पेटीएम वॉलेट, फोनपे वॉलेट एंड सभी मोबाइल वॉलेट में पैसा लोड इस डेबिट कार्ड के थ्रू करने पर आपको 1% कैशबैक पॉइंट मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एनुअली 4 कॉम्प्लीमेंटरी डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी सुविधा मिलेगा। देन इस डेबिट कार्ड में आपको 10 लाख का एक्सटेंड इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसलिए आप कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट इस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो। देन ये NFC सपोर्ट कार्ड है, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड है, इसलिए आप विदाउट पिन 5,000 तक कोई भी कॉन्टैक्टलेस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। देन यहाँ पे आपको फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन का भी कवर मिलेगा, यानी अगर कोई प्रोडक्ट इस डेबिट कार्ड के थ्रू परचेस किया हो एंड फायर की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया, तो आपको 2 लाख रुपीज का प्रोटेक्शन कवर भी यहाँ पे मिलेगा। देन इस डेबिट कार्ड में 0 लाइबिलिटी का भी सुविधा मिलेगा, ये एक बेस्ट फीचर है इस डेबिट कार्ड में। दोस्तों 0 लाइबिलिटी मीन्स अगर आपका ये डेबिट कार्ड चोरी हो गया और खो गया तो, एंड कोई भी अनऑथोराइज और फ्रॉड ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका पूरा रिकवर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा है, आपको ब्रांच जाके सब डिटेल्स देना होगा एंड उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही आपको ये इंश्योरेंस कवर मिलेगा। देन कोई भी फ्यूल ट्रांजेक्शन आपको फ्यूल सरचार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, यानी 0 फ्यूल सरचार्ज आप यहाँ पे आपको मिलेगा इस डेबिट कार्ड में। दोस्तों अभी जानते हैं सभी कैशबैक रिवार्ड कंडीशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पे इस डेबिट कार्ड में जो भी कैशबैक पॉइंट मिलेगा उसके लिए कुछ कंडीशन है। जैसे दोस्तों कैशबैक पॉइंट अर्न के लिए आपको मिनिमम 400 के ऊपर ट्रांजेक्शन करना होगा, 400 के नीचे करेंगे तो कोई भी कैशबैक पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 400 के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे आपको उसका कैशबैक पॉइंट मिल जाएगा। देन पर मंथ आपको मैक्सिमम 400 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप जो भी कैटेगरी में करें आपको मैक्सिमम 400 रुपीज़ का ही कैशबैक मिलेगा, यानी आपको पर ईयर 4,800 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। देन 400 के मल्टीप्लाई पर आपको कैशबैक पॉइंट रिडीम करना होगा, यानी 400 के मल्टीप्लाई यानी 400, 800, 1200, ऐसे 400 के मल्टीप्लाई पर आपको कैशबैक पॉइंट रिडीम करना होगा। आपको यहाँ पे 500, 600 या 700 के ऐसा इसका जो कैशबैक पॉइंट को रिडीम नहीं कर पाएंगे। देन दोस्तों ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के 90 दिन के बाद आपको कैशबैक पॉइंट मिलेगा, इंस्टेंटली आपको नहीं मिलेगा, इसलिए 90 दिन तक वेट करना होगा एंड उसके बाद आपके नेट बैंकिंग का जो रिवार्ड सेक्शन में ये अपडेट हो जाएगा। इसलिए जब जो भी ट्रांजेक्शन किया हो उसके 90 दिन के बाद आपको नेट बैंकिंग सेक्शन में उसका जो कैशबैक पॉइंट अपडेट होगा, इसलिए आप जो भी ट्रांजेक्शन किए आपको रिवार्ड पॉइंट पाने के लिए 90 दिन तक वेट करना होगा। उसके बाद सभी कैशबैक पॉइंट 12 मंथ यानी 1 साल के लिए वैलिड है, 1 साल बाद वो कैशबैक पॉइंट एक्सपायर हो जाएगी। इसके लिए आपको कैशबैक पॉइंट मिलने के 1 साल के अंदर आपको जो कैशबैक पॉइंट को रिडीम करना होगा। एंड दोस्तों फ्यूल ज्वेलरी पर कोई भी कैशबैक पॉइंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी जानते हैं इस डेबिट कार्ड की डेली विड्रॉल लिमिट के बारे में, यानी एक दिन में ATM से कितना पैसा निकाल सकते हो। दोस्तों मिलियनेयर डेबिट कार्ड की डेली विड्रॉल लिमिट 50,000 रुपीज़ है, यानी आप डेली ATM से मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ तक कैश निकाल सकते हो। एंड इसकी डेली शॉपिंग लिमिट 3,50,000 रुपीज़ है, यानी आप डेली 3,50,000 रुपीज़ तक शॉपिंग कर सकते हो। यानी इसकी ये एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है, इसलिए इसका इंटरनेशनल शॉपिंग लिमिट 1,00,000 रुपीज़ है, यानी आप इंटरनेशनली 1,00,000 रुपीज़ तक डेली स्पेंड कर सकते हो। दोस्तों अभी जानते हैं इस डेबिट कार्ड की चार्जेस के बारे में। दोस्तों HDFC बैंक की सभी डेबिट कार्ड और ATM कार्ड की इशू चार्जेस एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस सेम है। इस मिलियनेयर डेबिट कार्ड की इशू चार्जेस 500 रुपीज़ प्लस GST है, यानी टोटल आपको 590 रुपीज़ देना होगा। जब ये कार्ड इशू होगा तभी आपको 590 रुपीज़ का चार्जेस देना होगा। देन इस डेबिट कार्ड की एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी सेम है, यानी 590 रुपीज़ है, ये चार्जेस हर साल आपको देना होगा। देन इस कार्ड की रिप्लेसमेंट चार्जेस 200 रुपीज़ प्लस GST है। अभी जानते हैं इस डेबिट कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों एलिजिबिलिटी की बात करें तो आजकल HDFC बैंक की रेगुलर सेविंग अकाउंट एंड यूथ सेविंग अकाउंट ओपन करने पर ये डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली मिल जाता है।
एंड अगर आप इस डेबिट कार्ड को लेना चाहते तो आप HDFC की नेट बैंकिंग के जरिए इस डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा HDFC बैंक की मिलेनियर डेबिट कार्ड के बारे में। ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट पे बताइए, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।